नमस्कार। यह मेरी हास्य व्यंग की रचना है जिसका शीर्षक है गड्ढे विभाग के कैबिनेट मंत्री। आजकल हम देखते हैं रास्ते पे सारे खड्डे होते हैं और ये प्रगत राज्य होने के नाते गड्ढे को भी एक गड्ढे विभाग को भी एक मंत्री पद कैबिनेट लेवल की मिली है। उनका एक फ़ोन आता है कमिश्नर को और वहाँ से हमारे व्यंग की शुरुआत होती है। और यह हास्य व्यंग जो चीज़ है वो आप लोग और हम लोग जो देखते हैं उसका नज़रिया अलग होता है। अभी एक ट्रक के पीछे लिखा था कि डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो ये व्यंग हो जाता है। ट्रक के बाजू से भी जाना है, ट्रक बाजू से भी जा रहा है तो भी डर लगता है। तो ऐसे व्यंग होते रहते हैं। एक पुरानी ऑटो के पीछे लिखा था बुरी नगर नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे भाई, ये इतना डब्बा हो चुका है फिर भी क्या मुंह उसको नज़र लगने वाली है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो उनको हंसाते हैं और व्यंग लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। चलो मैं भी शुरुआत करता हूँ। कैबिनेट मंत्री गड्ढे विभाग का फोन कमिश्नर को सुबह सुबह आया। यह स्टेट काफ़ी प्रगत है इसीलिए यह पोस्ट कैबिनेट रैंक की ताकि अधिकारी उनकी बात सुने। आजकल तो मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं सुनता। कमिश्नर के मन में आया कभी कभी मुख्यमंत्री को भी अधिकारी सुने इसलिए हड़ताल करनी पड़ती है और ये तो सिर्फ कैबिनेट लेवल के मंत्री है। तो मंत्री जी ने यह कहा कि आजकल गड्ढे बहुत हो गए, इसकी चर्चा मीडिया में है, सुबह शाम कोई न कोई गड्ढे के विषय लेकर बात करता है और अगले दिन यह बात पेपर में आती है। मेरा पीए रोज़ अखबार के पन्ने मेरे सामने रखता है। मुख्यमंत्री ने मुझे बुला के डांट लगाई और कहा तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत ख़राब हो गया है। मैंने अब ऐलान कर दिया गड्ढे के साइज से गड्ढा बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। मंत्री जी बोले किसानों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, वेतन आयोग लागू किया है करने के बाद पैसे नहीं है, पहले ही राज्य में धन के मामले में गड्ढे हुए हैं। कमिश्नर घर से निकले ही थे कि पत्नी ने टोक दिया और कहा सबसे ज़्यादा अपघात तो चलने वालों को होते हैं, ज़रा संभाल कर जाइएगा। कमिश्नर अपने साथियों के साथ रास्ते की निगरानी कर रहे थे। तीन मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ से आते हुए उन्होंने देखा। पूछने पर जवाब मिला फुटपाथ से गाड़ी अच्छी चलती है, पीठ दर्द नहीं होता, पैदल चलने वाले तो सड़क पर चल सकते हैं, जिसके लिए गड्ढे स्पीड ब्रेकर नहीं लगते। बार बार गड्ढे में गाड़ी जाने से शॉकअप्स खराब हो जाते हैं। सारे शहर के गड्ढे एक एक करके खुद कमिश्नर की उपस्थिति में गिने गए। यह देख सारे शहरवासी खुश हुए और उन्हें अच्छा लगा। कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी और गड्ढे बुझाने के लिए कितना बजट लगेगा, साथ में गड्ढे के कारण फायदे और घटने वाले अपघात का उतरता ट्रेंड दिखाया गया। गड्ढे मंत्री ने गड्ढे बुझाने के अनुदान तुरंत रोकने को कहा। जीएसटी से मिलने वाला अधिक धन इस कार्य में ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसे मंत्री जी ने कहा। कहने लगे मेरा विचार सड़क रूपी महा गड्ढा है और उसमें छोटे छोटे गड्ढे रूपी स्पीड ब्रेकर है, फुटपाथ रूपी एक ही अच्छी सड़क है। अच्छी सड़क ढूंढने से भी कहाँ मिलती है आजकल, कहीं तो इन व्यापारियों ने सड़क को गोदाम बना रखा है। गड्ढा मंत्री
होने के नाते मेरा प्रयत्न यह रहेगा साफ सुथरी अच्छी सड़कें यानी फुटपाथ। इतने में किसी ने दरवाजा बजाया, देखा तो हमारा दूध वाला आया था जो गड्ढे के बारे में बार बार वही बात करता था। कहने लगा, कितने देर से मैं गड्ढे में खड़ा हूँ, पता नहीं सपना गिरा था तो वह भी गड्ढे का। यह सपना हमें प्रशासन में होने वाली लापरवाही का एक मानो नमूना दे गया। पता नहीं कितने देर यह प्रशासन के व्यवस्था का सपना देखता अगर हमें दूध वाला ना उठाता। धन्यवाद, उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा व्यंग।